अगर बिना कमेंट करके आप चले जाते हो ना भाई, तो वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। समर भाई कमर कस के आ चुके हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि भैया आपके चैनल का वीडियो हमारे पास क्यों नहीं आता है। मैं तो बोला कि मैं वीडियो रोज डालता हूं, लेकिन तब भी वीडियो नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है बहुत लोगों के पास। तो दोस्तों मैंने एक नया चैनल का लिंक दे दिया है, मेरा वीडियो इस पर लगातार आएगा और इस पर भी अपडेट देते रहूँगा जैसे जैसे न्यूज़ मिलेगा। जी हाँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, उस पर लगातार वीडियो आएगा और बहुत जल्दी मैं खेसारी जी की टीम का इंटरव्यू भी डालने वाला हूँ। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम दयाशंकर ओझा है। समर सिंह का जो मैटर है, आपने सुबह का रिकॉर्डिंग सुना ही था, इंटरव्यू वगैरह भी देखा होगा। तो आपने एक वीडियो देखा जो मैंने खेसारी लाल यादव जी का दिखाया। इसलिए दिखाया भाई क्योंकि खेसारी लाल यादव ने समर सिंह को बड़े प्लेटफॉर्म पे प्रमोट किया था, खुद से बुला के प्रमोट किया था, जिसका प्रूफ मैं आपको दिखा दिया हूँ। और समर सिंह ने क्या किया, आप रिकॉर्डिंग सुनिए। फालतू लोगों की बात क्या करना है महाराज, फालतू लोगों से हमारे पास टाइम थोड़ी है फालतू लोगों के। हाँ, समर सिंह ने खेसारी लाल यादव जी के बारे में जब चर्चा किया गया तो बोलते हैं कि फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है। देखिए कितना ज्यादा घमंड। और देखो दोस्तों, एक बात बड़ा क्लियर है, अगर एक पेड़ है जिसपे फल लगा हुआ है ना, तो वो हमेशा ही झुक के रहेगा। तो पेड़ में फल नहीं है, वो हमेशा तन के चलता है। वही बात है समर सिंह का। अगर मान लो समर सिंह से पूछा गया कि भाई आप खेसारी जी के बारे में बताइए, अगर मैं खेसारी जी के बारे में बताना नहीं चाहूँगा तो मैं सिंपली बात को इग्नोर कर दूंगा या बोल दूंगा कि मेरे बड़े भाई हैं या भाई हैं या इंडस्ट्री में कलीग हैं, एक साथ काम करना है, आगे बढ़ना है, बात यहीं ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा बोला गया जिससे कि कॉन्ट्रोवर्सी हो। कॉन्ट्रोवर्सी होगा तो किसको फ़ायदा होगा, समर सिंह को फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी तो व्यूज़ गाने पर जा नहीं रहे हैं। कितना वीडियो मैंने देखा कि एक घंटे में 20,000, 25,000, 30,000 व्यूज़ जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी इतना ज़्यादा खराब समय आ गया है समर सिंह जी का। क्या समर सिंह जी ने सही किया है, फिर से एक बार रिकॉर्डिंग सुन लीजिए आप। क्या समर सिंह जी ने सही किया है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, और वीडियो में बिना कमेंट किए मत चले जाना। और मैं पहले बोल के जा रहा हूँ, कमेंट जरूर करना। अगर आगे वीडियो देख रहे हो तो कमेंट जरूर करना, आपका कमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ खेसारी फैंस, भैया खेसारी भैया ये फलाना ढींग का नहीं, आप क्या सोचते हो आपका कमेंट, लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो।